हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास सेवन्थ हिंदी का चैप्टर टू, हिमालय की बेटियाँ, रैशनलाइज सिलेबस। जो आपका नया सिलेबस आया है उसका हम चैप्टर देख रहे हैं, हिमालय की बेटियाँ। ये लिखा है नागार्जुन ने। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे और आप मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड और वर्ड मीनिंग भी समझते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रेरित होती थीं। तो अभी मैंने उन्हें दूर से देखा था, मतलब राइटर कह रहे हैं नागार्जुन कि मैंने जो नदियां हैं ना, एक्चुअली ये जो हिमालय की बेटियां हैं ना, ये हिमालय से आने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अभी तक उन नदियों को मैंने दूर से देखा था, बड़ी शांत लगती थी, बड़ी गंभीर लगती थी और अपने आप में ही खोई खोई लगती थी, जैसे कि कोई संभ्रांत, बहुत ही मतलब एक एजुकेटेड या फिर आप समझ लीजिए एक अच्छे घर की महिला जैसी लगती हैं, सभ्य महिला जैसी लगती हैं, वैसी ही अभी तक मुझे हिमालय की बेटियां लगती थी जब मैं इनको दूर से दिखा करता था। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। तो धारा में मैं डुबकी लगाता था, है ना, जैसे कि गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ा यानी कि हिमालय की यात्रा करी, हिमालय के ऊपर से जा रहे हैं ना हम लोग भी, जैसे कभी हिमालय जाते हैं, हिमालय जैसे कश्मीर में है तो हिमालय के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो राइटर उसको कह रहे हैं कि जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय पे पहुंचा जब मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर कैसी विशाल हो जाती हैं। तो जो गंगा नदी है वो समतल मैदान में उतरती है पहली बार हरिद्वार में। तो हरिद्वार में कितनी चौड़ी होती है, मगर जब ये उत्तराखंड में होती हैं जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं वहाँ पर बिल्कुल पतली सी होती हैं। तो राइटर को मतलब देख के लगा, अभी तक तो राइटर ने प्लेन्स में जब ये नदी बह रही थी तब देखी, अब हिमालय पे देखी तो देखा कैसी पतली सी, सरसराती सी ये वहाँ पर बह रही हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। तो राइटर कहते हैं पहाड़ों पे तो बड़ी मस्त मौला तरीके से नदियाँ बहती हैं और मैदान पर समतल भूमि बिल्कुल सीधी सीधी बहती जाती हैं। तो ये जो इनका मस्त मौला रवैया था, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो के घूमने वाला जो पहाड़ों पर था, ये मैदान में आके कहाँ खो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, यानी कि बचपन में, यानी जब जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पर जब राइटर ने नदियों को देखा तो राइटर को लगा कि ये तो बड़े बच्चों जैसी हैं, ये तो बड़ी खिलखिला रही हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ कर रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, क्योंकि आगे बढ़ती जाती हैं बहुत ही तेज़ी से ना, है ना। जब आप जैसे कि यमुनोत्री गंगोत्री के एरिया पर देखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही प्रवाह से बहती हैं, बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो राइटर जब वहाँ पर इनको देखते हैं तो कहते हैं कहाँ जाने की इनको इतनी जल्दी हो रही है, कहाँ ये भागी जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो राइटर महान पिता किसको कह रहे हैं, राइटर महान पिता कह रहे हैं हिमालय को। तो हिमालय का प्यार पाकर कर भी ये इतनी उछल कूद कर रही हैं और नीचे की तरफ बह जा रही हैं, तो अगर इनकी प्यास हिमालय से नहीं बुझी तो कहाँ जाकर इनकी प्यास बुझेगी, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ का मतलब है जैसे कि आप ना बहुत ठंडी बर्फ़ पे हाथ लगाते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि जल रहा है। तो राइटर कह रहे हैं ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर बर्फ़ लदी हुई है और ऐसी घाटियाँ वैलीज़ हम इंग्लिश में बोलते हैं घाटियों को, जहाँ पर मतलब लोग रह रहे होते हैं, जैसे कि ऐसे पहाड़ है और नीचे वैली होती है जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। बंदुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। तो देखो बंदुर अधित्यकाएँ, बंदुर का मतलब होता है उतार चढ़ाव, और अधित्यकाएँ होती हैं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जैसे कि पहाड़ ऐसा है और इसके ऊपर ऐसे करके प्लेन होता है जहाँ पर चोटी पर लोग चढ़ करके नीचे की तरफ देखते हैं। तो ऐसे इलाकों से ये नदियाँ कहाँ जा रही हैं,
ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन यानी कि शरारत करने का घर। तो नदियाँ जब प्लेन इलाकों में आती है, राइटर कहते हैं, तो शांत हो जाती हैं, मगर जब ये पहाड़ियों में होती हैं तो खूब शरारती होती हैं। सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा और उपत्यकाए होती हैं घाटियाँ यानी कि वैलीज। तो ये जब हिमालय के बिल्कुल पास में होती है नदियाँ ना, तो खूब छरछराती हैं, खूब बच्चों की तरह एक्ट करती हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये सारे के सारे ना पेड़ों के नाम हैं। तो राइटर कहते हैं जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं और ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार इनके जंगलों से निकलती हैं, तो शायद इनको जो अपनी पुरानी बातें थी ना, जो इनकी बचपन की थी जब ये हिमालय पर थी। देखो नदी तो बहती ही रहती है, मगर राइटर एक ना पर्सोनिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं नदी का, एक इंसान की तरह राइट नदी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहते हैं जब ये नदियाँ जंगल में पहुँचती हैं तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा रुककर अपनी पुरानी बातों के बारे में ये सोचती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी कि हिमालय को ये बूढ़ा कह रहे हैं क्योंकि फादर है इन नदियों का। तो राइटर कहते हैं कि हिमालय इन बच्चियों को संभालने में कितना सर धुनता होगा, कितना परेशानी होती होगी जब ये इतनी शरारतें करती होंगी, तो हिमालय को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। उत्तर में विराट मौन का मतलब है कि बिल्कुल शांति हो जाती है जिस जगह पर, वहाँ पर जब नदी पहुँचती हैं, और एक कहाँ से आ रही हैं वो, वहाँ से आ रही हैं जहाँ पे वो शरारत कर रही हैं। तो भाई नदियाँ आती ही क्यों हैं, इतनी शरारती होकर के इतने मज़े करने के बाद प्लेन्स में इतनी शांत हो जाती है, तो यहाँ आ ही क्यों रही हैं, राइटर ऐसा सोचते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये सारी के सारे नदियों के नाम हैं, ये सब जो है ना जो एक्सप्लेन करे गए हैं ये सारे नदियों के नाम हैं, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियां हैं। तो जैसे कि रावी, व्यास, सतलुज सारी की सारी जाकर के सिंधु में मिल जाती हैं, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत बड़ी है, उसमें भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो राइटर बोलते हैं जब सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम आता है तो इसके साथ और छोटी छोटी नदियों का नाम भी मेरे मन में आ जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। अब राइटर कह रहे हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में तो कुछ है ही नहीं, नदियाँ कैसे बनती हैं, जो हिमालय है हिमालय पे बर्फ़ जमती जाती है सदियों तक वहाँ पर बर्फ़ जमी, फिर वो थोड़ी थोड़ी पिघल करके ही वो बर्फ़ ही है जो पिघल करके नदियों के रूप में हम तक पहुँच रही है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि सदियों से नदी जो आज हमें दिख रही है वो जमी हुई बर्फ़ की बूंदें ही तो हैं, तो ये हिमालय की इसलिए इनको बेटी कह रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब नदियां जो हैं वो समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो राइटर कह रहे हैं कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है, कितना लकी है कि हिमालय की बेटियां यानी कि सिंधु ब्रह्मपुत्र जब जाकर के हिमालय में मिलती हैं तो वो हिमालय से आकर के समुद्र में जा रही हैं, तो समुद्र कितना लकी है कि नदियाँ उसमें जाकर के मिल रही हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि पूरे हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो राइटर कहते हैं जिन्होंने इन्हें सिर्फ प्लेन्स में देखा है ना और पहाड़ों पर नहीं देखा है, तो उन्हें लगता होगा कि ये तो मतलब कितनी शांत है, मगर जब इनको पहाड़ों पर जा करके देखो तो कैसी चुलबुली बच्चों की तरह ये होती हैं। माँ बाप की गोद में नंद धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो राइटर कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं शायद उनको नदियाँ इतनी लुभावनी या फिर इतनी सुंदर ना लगती हो, मगर मुझे तो नदियाँ इतनी खूबसूरत लगीं कि मैं तो ये कहूँगा कि हिमालय जो है वो ससुर हैं और समुद्र दामाद है। क्यों? क्योंकि नदियाँ क्योंकि बेटियाँ हैं हिमालय की। अब ये कह रहे हैं कि नदियाँ जो हैं वो समुद्र में जाके मिल रही हैं, तो नदियों की शादी हो रही है समुद्र से, तो हिमालय ससुर हुए और जो समुद्र है वो दामाद हुए। राइटर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अब आगे आते हैं कालिदास के विरही। विरही मतलब जो दूर हो जाते हैं किसी से, विरह दूर हो जाना।
कालिदास के विरही यक्ष ने, कालिदास बहुत महान कवि हैं जिन्होंने लिखा है मेघदूत, तो मेघदूत उनकी एक काफ़ी बड़ी मतलब रचना है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो कालिदास भी जो है नदी को क्या बता रहे हैं कि एक प्रियसी बता रहे हैं, कि प्यार करने की एक चीज़ बता रहे हैं जिससे प्यार होता है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी कि राइटर कहते हैं जैसे मैं इनको अलग अलग रूप दे रहा हूँ, कभी इनको बेटी कह रहा हूँ, कभी इनको एक सयानी स्त्री कह रहा हूँ, ऐसे ही शायद जो कालिदास थे उनको भी इन्हीं रूपों में ये नदियाँ दिखी होंगी, तभी तो उन्होंने कभी प्रेयसी कहा है कि मतलब नदी को कहा है कि मेरी जो लवर है उनको मेरा मैसेज देते जाना, इस तरीके से कालिदास ने भी नदी से कहा था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि मतलब पहाड़ों में तो अलग ही है नदियाँ और प्लेन में आकर के शांत हो जाती है, तो वो कहते हैं कि प्लेन में आकर इससे बड़ी हो गई हैं, वो इस तरीके की बात राइटर बोलते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, तो क्यों कहा है लोक माता काका कालेकर ने, क्योंकि ये सभी को समान रूप से प्यार देती हैं, इसलिए नदियों को माँ कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ष है, तो माता बनने से पहले तो बेटियाँ ही होती हैं सारी लड़कियाँ। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा, फिर किसी की लवर भी बनेंगी वो बड़ी होकर। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, तो बेटियां भी हैं, माँ भी हैं, प्रेयसी यानी कि किसी की लवर भी हैं, किसी की बहन भी हैं, तो बहुत सारे कवियों ने नदियों को बहन भी कहा है, बहुतों ने माँ कहा है, बहुतों ने उनको प्रेयसी अपनी लवर कहा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, और इन राइटर को वो अपनी बहन कब लगी थी नदी, जब वो थोलेड यानी कि तिब्बत में थे, तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, मतलब तबीयत इनकी ठीक नहीं हो रही थी, तो ये सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, मतलब पैर पानी में लटका कर बैठ गए, तो जो प्रगतिशील जल था यानी कि बहता हुआ पानी था ना, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, मतलब इनका तन मन ताज़ा हो गया। जब आप ही नोटिस करेंगे अगर बहती नदी में आप पानी डाल के बहती नदी में अगर आप पैर डाल के बैठेंगे ना, बड़ा ही अच्छी फीलिंग होती है, तो राइटर को भी यही फीलिंग हुई और इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, अब देखो इन्होंने सतलुज को बहन कहा, लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है ना, ये जो तुम्हारे काम है मतलब अलग ही है दुनिया से। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया है, जिस मन में पहले सुस्ती छाई हुई थी वो अब प्रसन्न हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मतलब मैं तो तुम पर कुर्बान हो जाऊं सतलुज बहन, तुम बेटी यह बाप हिमालय, अब फिर से आ गया कि ये जो है बेटी है, किसकी बेटी है, हिमालय की बेटियां हैं, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, अब फादर तो अपनी बेटियों के लिए चिंतित ही रहते हैं, थोड़ा परेशान ही रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी कि जो प्रकृति नटी यानी कि प्रकृति का ये जो पूरा नाटक चल रहा है ना, उसमें तुम क्या हो, पट हो, तुम एक मतलब नटी हो, तुम प्रकृति की जो ये ड्रामा चल रहा है उसमें तुम एक एक्ट्रेस हो, और तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, ये जो हिमालय की जो बेटियां हैं ये हमारी प्रकृति पर एक अनुपम ही एक अलग ही छाप छोड़ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये लिखा है नागार्जुन ने, हमने लाइन टू लाइन सबको समझा, वर्ड मीनिंग्स देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।